खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में मुलाकात। पंजाब में कानून साजी और तरक्याती मनसूबों के हवाले से बातचीत की गई। इसी पर तफसीला जानेंगे हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी से। लियाकत, आगाह कीजिए मुलाकात के हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से स्पीकर पंजाब मिस्टर परवेज़ इलाही ने आज मुलाकात की और जिसमें पंजाब में कानून साजी तरक्याती मनसूबों के हवाले से बातचीत की गई है और हुकूमत के तरक्याती एजेंडे को अमली जामा पहनाने के हवाले से दोनों पार्टियों में रवाबत को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि दोनों पार्टियां जो है मिलकर जो है अवामी तरक्की के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगी और इस मुलाकात में कानून साजी के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब समिति के किरदार को सराहा है। अतुल परवेज़ इलाही की काफी अच्छे से जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात तय थी और ये मुलाकात लाहौर के दौरों के दौरान भी नहीं हो सकी। आज मुलाकात का जो है टाइम तय पाया था और आप देखिए तहादियों ने आज तक जोड़कर आइंदा के हवाले से मुशावरत की है। अब बिलावल भुट्टो के मार्च और नवाज शरीफ के बाहर आने के बाद और जो मुस्लिम लीग की सरगर्मियां तेज होने के बाद गुज़श्ता मुलाकात हुई शुजात की हुई थी नई मुलाकात से, उसमें यह तय पाया गया कि इत्तेहादी भी आपस में मुशावरत को तेज करें और कल को अगर अपोजिशन की सरगर्मियां बढ़ती हैं तो इत्तेहादी भी अपनी मुनज़्ज़म जो है सरगर्मियों को तेज करें, जिस पर आज ये मुलाकात हुई और इसमें अहम जो है डेवलपमेंट हुई है। जी ठीक है लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया आपका।